कि मैट्रिसेस क्या होते हैं? गुड, मोर देन थ्री डायमेंशंस, ठीक है, थ्री या तीन से ज्यादा जैसे ही डायमेंशंस उसके बढ़ेंगे वो टेंसर्स बन जाएगा। उससे पहले दो डायमेंशन पे मैट्रिक्स रहता है और उससे पहले वेक्टर रहता है। तो सबसे पहला चीज जो हमको जानना है, आर पे मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले मुझे ये बताओ कि अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है सी या पाइथन लैंग्वेज पे, कैसे बनाऊंगा? दो, एक सिंगल ब्रैकेट्स जो ले रहे हैं हम लोग, एरे ले रहे हैं या फिर एक लिस्ट ले रहे हैं, वो सिंगल वेक्टर बन रहा है, उसी को दो डायमेंशन पे कर देंगे अपन तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। ये तो आसान रहा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? क्या लगाएंगे? फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक ठीक, रुको 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 रुको, अच्छे से सुनने दो मेरे को पहले। तो हाँ बताओ कैसे करेंगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन? एम बाई एन का ऑर्डर का है। हाँ अच्छा, एम क्रॉस एन बोलो ना। हाँ हाँ, नहीं मुझे वो चाहिए, कोड कैसे करोगे मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का? इक्वल करा दोगे तो हो जाएगा। कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? सपोज करें कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स है बी, कितने लूप अलग अलग लेने पड़ेंगे? आई जे और के, तीन लेने पड़ेंगे। के क्या करेगा? ठीक है चलो, अभी इस पे फिलहाल डीप में नहीं जाते हैं, बट एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख के आना, अगली क्लास में आओगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख के आना। नाउ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ सीम्स कॉम्प्लेक्स एट सम एक्सटेंट। अभी मैं किसी को भी यहां पे आके बनाने बोलूंगा तो बना पाओगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कि प्रोग्राम कोई भी एक नहीं है ना? तो इसी को अगर हाँ बना सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ऐसा वाला तो हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोडिंग की बात कर रहा था आई जे के लेके। एनीवेज, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इतना डिफिकल्ट है तो अगर उसका इनवर्स करने जाएंगे या फिर और कुछ करने जाएंगे, ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ सीम्स सो कॉम्प्लेक्स, अगर हम इसके इनवर्स में जाने लगेंगे या फिर और भी जो मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस होते हैं उस पे जाने लगेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने लगेगी। द मोमेंट वी क्रिएटेड आर, उसमें हम लोगों ने सबसे पहला तो यही काम किया कि मैट्रिक्स उन्होंने पकड़ा और मैट्रिक्स के सारे चीज, इनवर्स से लेके डायगोनल से लेके जितनी चीजें थी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस, सारे के सारों के उन्होंने पहले से ही फंक्शंस बना दिए ताकि ये पूरे ऑपरेशंस बहुत आसान हो जाए, सिर्फ मैट्रिक्स के लिए नहीं, मैथ के जितने भी कंपोनेंट थे सबके लिए। बट सिंस मशीन लर्निंग की जब भी हम बात करेंगे, डाटा साइंस की जब भी बात करेंगे, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका, इसीलिए आर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग या फिर डाटा साइंस। यहां समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है? अब देखो, इन्होंने एक डेडिकेटेड फंक्शन ही क्रिएट करके रखा है मैट्रिक्स के लिए, जिसको बोल रहे हैं एम ए टी आर आई एक्स, मैट्रिक्स फंक्शन। मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड फंक्शन है आर पे, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फंक्शन। कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स फंक्शन? कुछ इस तरीके से, ये उसके पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है डाटा, दूसरा पैरामीटर एन रोस एंड कॉलम्स,
और चौथा पैरामीटर बाई रो इज इक्वल टू फॉल्स या बाई रो इज इक्वल टू ट्रू। बाई डिफॉल्ट कोई भी मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं तो बाई कॉलम क्रिएट कर ले रहा है। अगर हमको रो से उस मैट्रिक्स को क्रिएट करवाना है तो हम लिखेंगे बाई रो इज इक्वल टू ट्रू, तो फिर वो रो पे फॉर्म करेगा। तो डाटा समझ में आ गया क्या होता है, नंबर ऑफ रोज समझ में आ गया, नंबर ऑफ कॉलम समझ में आ गया। डेटा कैसे डालेंगे एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें एम एम को एक मैट्रिक्स बनाना है हमको, तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स फंक्शन 1 से लेके 6 तक इसमें जा रहा है, एन रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो इसने नंबर ऑफ रोज बना दिए 2, नंबर ऑफ कॉलम बना दिए 3। इसी को ही अगर बाई रो इज इक्वल टू ट्रू कर दूं मैं तो ये रो के हिसाब से लेगा इसको। नहीं समझ में आया, सिंपल से देखो 1 से लेके 6 तक इसको प्रिंट कराना ही कराना है। पहला क्या कर रहा है, कॉलम वाइज प्रिंट कर रहा है, मतलब 1 2 कॉलम 1, 3 4 कॉलम 2, 5 6 कॉलम 3। अगर मैं रो इज इक्वल टू ट्रू करता हूं तो रो वाइज प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 6 रो 1 रो 2। आया समझ? ठीक है, होप करता हूं कि आ गया होगा। पढ़ते हैं एग्जांपल्स हमने देख लिए, अब दो और फंक्शंस हैं आज की क्लास में, आर बाइंड और सी बाइंड। नाम से समझ में आ रहा होगा आर मतलब रो, दो रोस को बाइंड करना है, सी बाइंड मतलब दो कॉलम्स को बाइंड करना है। पहला देख रहे हैं आर बाइंड, ये है पहला मैट्रिक्स, ये है दूसरा मैट्रिक्स। कैसे दिखेगा ये मैट्रिक्स, कैसे दिखेगा ये मैट्रिक्स, सिर्फ रोज में रहेंगे, ठीक है, और इसको आर बाइंड कर रहे हैं अपन। देखो, देखने की कोशिश करो इसको, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, पहला है M1, दूसरा है M2। M1 ऐसा दिखेगा 1 2 3 4, M2 5 6 7 8। अब मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों को क्या करा दिया मैंने, रो बाइंड करा दिया M1 और M2 को। कैसा दिखेगा, 2x2 दिखेगा, 2x4 दिखेगा, 4x2 दिखेगा, आर बाइंड करा रहे हैं, इसका मतलब रो पे बाइंड करा रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, रो पे बाइंड हो रहा है वो, ये पहला, ये दूसरा, सॉरी 4 तक पहला, 5 से लेके दूसरा, ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों को रो वाइज बाइंड कर रहा है ये। अगर इसी को ही कॉलम वाइज बाइंड कराएंगे तो जैसा ये दिख रहा है वैसा दिखेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया रो बाइंड और कॉलम बाइंड। ठीक है, कॉलम बाइंड भी एक बार देख लो, सिर्फ सिंपल सा है, सी बाइंड लिख के M1 और M2 लिख देंगे। सबको समझ में आ गया ये? हाँ, देख लो कोड। हो गया, yes,
अगर मेरे पास मैट्रिक्स है एक M1 और दूसरा मैट्रिक्स है M2, टू फोर सिक्स एट, टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है ये, नाइन एट सेवन सिक्स, ये भी टू क्रॉस टू का है, दोनों को रो बाइंड करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, टू फोर सिक्स एट नाइन एट सेवन सिक्स। किसी ने सिस्टम खोला हुआ है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो, एक बार मैं ही क्रॉस चेक करके, इसमें इंस्टॉल था क्या आर, क्रॉस चेक करके भी एक बार देख लेते हैं, बैठ जाओ। ठीक है, बताते जाओ कैसे कैसे, मैंने जो जो बनाया था उसको कैसे बनाते जाएंगे। सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, टू इंटू टू बाई टू का सिक्स, टू फोर सिक्स एट का, क्या लिखूं मैं एम वन, बताते जाओ क्या क्या लिखते हो, एम वन मैट्रिक्स मैट्रिक्स, फिर सीक्वेंस जनरेट कर दें, नंबर तो बहुत रैंडम है, नंबर को ही नोट करो पहले, सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं टू फोर सिक्स एट का, ठीक है। अच्छा उससे अच्छा कुछ काम कर लेते हैं यार, ठीक है सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं। कैसे सीक्वेंस जनरेट करेंगे बताओ, सीक्वेंस के अंदर 2.8 y इक्वल्स टू 2, ये जनरेट हो गया हमारा सीक्वेंस, फिर n रो, वेरी गुड, इक्वल्स टू 2, फिर n कॉलम इज इक्वल टू 2, ठीक है हमारे पास आ गया 2 4 6 8। बाई क्यों देख लेते हैं, कोई इशू नहीं, एक बार देख लेते हैं 2 4 6 8। अच्छा 2 6 4 8 हो गया, इसको 2 4 6 8 करना है अपने को, ठीक है क्या लिखूं, बाई रो इक्वल्स टू, वेरी गुड, चलो 2 4 6 8 आ गया, ठीक। अब सेकेंड मैट्रिक्स अपन को क्या बनाना है, एम टू बना लेते हैं, क्या था 9 8 7 6,
9876 by रोज कॉलम बाय रो ट्रू करना है फॉल्स करना है M2 बना 9876 हमको क्या चाहिए था 9876 ठीक है M1 और M2 हम लोगों के लिए बना लिया अब क्या करना है बाय रो और बाय कॉलम देखना है इसको क्या लिखूं M3 ले लिया मैंने फिर आर बाइंड वेरी गुड M1, M2 अरे कैपिटल हो गया क्या पूरा M3 हाँ वो भी हो सकता है M3 ठीक है आ गया हमारे पास M3 ठीक है क्वेश्चन को अगर अपन कॉलम से बाइंड करेंगे अभी रो बाइंड कर रहे थे कॉलम से बाइंड करेंगे तो क्या बनेगा कहां पे कंफ्यूजन पूछो क्या कंफ्यूजन रो बाइंड में इसको ले ले रहा है एक कंपोनेंट इसको ले ले रहा है एक कंपोनेंट दोनों को रो पे ऐड कर दे रहा है कॉलम बाइंड करेंगे तो ये कंपोनेंट हो गया ये कंपोनेंट हो गया किस पे बाइंड कर देगा बताओ क्या बनेगा ठीक है देखते हैं ये रो बाइंड किया उसने अब देख लेते कॉलम बाइंड का क्या बैठो ठीक है कॉलम बाइंड हो गया सबको समझ में आ गया कैसे मैट्रिसेस डिफाइन करने हैं कैसे रो बाइंड करना है कैसे कॉलम बाइंड करना है तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आर बाइंड सी बाइंड और मैट्रिसेस कैसे डिफाइन करते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल के लिए